नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने वाले गोविंद पांडे आज ALCS परिवार के एक अभिन्न अंग हैं। बालों के झड़ने के चलते वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने ALCS जयपुर गए थे। आज वो अपना व्यक्तिगत अनुभव आप सभी से साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गोविंद पांडे। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे फिल्म सीरियल्स वेब सीरीज में देखा होगा, थिएटर में देखा होगा। बहुत साल मैंने थिएटर में भी काम किया है और अभी बहुत सारी नई नई फिल्म आ रही हैं, आप ज़रूर देखिएगा, वेब सीरीज आ रही हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ थी। मेरे बाल चले गए थे और मैं बहुत इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में था। मुझे लगता था कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़े जैसे दिखूंगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टॉपिंग डालता था मैं, मेरे पैसे भी बहुत खर्च होते थे और स्क्रीन पर भी जाने के लिए बार बार जो है मैं हेयर ड्रेसर से अपना पूरा भरता था, तो महीने का खर्चा भी बहुत होता था और कॉम्प्लिकेशंस भी होती थी। सबसे बड़ा था मेरा जो कॉम्प्लेक्स। मेरे एक मित्र हैं, वो जयपुर से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, एक एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी, उनका ALCS क्लिनिक है जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ से उसने इलाज कराया था। तो उसने मुझे बोला आप एक बार वहाँ उनसे मिलिए, और वो बहुत अच्छा हाथ है उनका और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं गया, हालांकि डर बहुत था। दिसंबर में मैं गया, 19 तारीख 2019, और मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें थी कि कहीं एलर्जी ना हो जाए, कोई दवाइयाँ परेशान ना करें, दर्द होगा करते वक्त, और दूसरा ये था कि उसके बाद साइड इफेक्ट ना हो जाए। कोई ये भी था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं कई जगहों पे हमारे कई मित्रों के बाल ठीक ढंग से नहीं आए, तो वो एक डर था। और सबसे करने से पहले एक डर ये भी हो रहा था कि कहीं कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होगा। तो पता लगा कि जो मेरे ओरिजिनल बाल जहाँ से भी निकालेंगे वो भी चले गए और वो कुछ भी हाथ नहीं लगा। हेयर ट्रांसप्लांट एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है। यदि हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन नहीं है तो रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट या फेलियर हेयर ट्रांसप्लांट की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो खैर, डॉक्टर साहब ने बहुत तसल्ली दी और उनसे मिलकर मुझे अच्छा भी लगा। उनका स्टाफ है बहुत लंबा चौड़ा और बहुत साफ सफाई के साथ उन्होंने मेरा ऑपरेशन जो था वो शुरू किया ट्रांसप्लांट का। और मुझे पता है, मेरे इससे पहले मैंने सारे टेस्ट किए और चेक किया कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब किया तो 7-8-9 घंटे करीब लगे, और उसमें यकीन करेंगे आप, टीवी चल रहा था, बातचीत करते करते खाते पीते बीच में ब्रेक लेते हुए मेरे यहाँ से पीछे से बाल निकाल करके उन्होंने यहाँ लगा लिए। हार्वेस्टिंग के बाद हेयर ग्राफ्ट को हाइड्रेशन के साथ ही अगर निश्चित तापमान जो 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है तक नहीं रखा जाए तो हेयर ग्राफ्ट डैमेज हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। ALCS में हेयर ग्राफ्ट डैमेज कंट्रोल का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे निकाले के ग्राफ्ट बिना किसी क्षति के इम्प्लांट हो जाते हैं। और एक दिन मैं वहां रुका, दूसरे दिन दवाई लेके उन्होंने भेज दिया, मैं अपने काम पर चला गया। 4 दिन थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा, थोड़ा सावधानी रखी, उसके बाद अपने काम में शूटिंग पे चालू हो गया मैं। और अब देखिए मेरे बाल देखिए, डॉक्टर सुनील अरोड़ा बहुत ही अच्छे प्लास्टिक सर्जन है, एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन है, और आप उनसे मिले आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैसा कि मुझे मिला है। देखिए, और अब मैं बहुत खुश हूँ सचमुच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15-16 साल में छोटा हो गया, और मुझे अब कोई टॉपिंग वॉपिंग जो मेरे 2000-2500 रुपये टॉपिंग में ही खर्च होते थे और शूटिंग में जाते हुए मुझे दिक्कत होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी टॉपिंग डालने लगा था क्योंकि खाली पन दिखने लगा था बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये सब आपके साथ मुझे शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। धन्यवाद।